और अब आज की विनिंग टीम सिंध पार्लियामेंटेरियंस के कैप्टन और बाब लुत्फुल्ला। फिरदौस शमीम नकवी साहब से ये अवार्ड वसूल करेंगे। अब बहुत सारी तालियां होनी चाहिए विनिंग टीम सिंध पार्लियामेंटेरियंस के लिए। और बाब लुत्फुल्ला साहब, ये जमाल सिद्दीकी साहब, भी हो गए, जान की बाजी लगा दी आज मैच में। नहीं, हमारा जो खून था वो सही, उसके रिजल्ट मिल गई हमें, हम जीत गए। मैं पहले तो यहाँ की इंतजामिया और कौसर भाई का शुक्रगुजार हूँ, जिसने इतना ज़बरदस्त एनजीओ एसएसजीओ का, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त मैच रखवाया, इतना इवेंट बड़ा क्रिएट किया, जब दुनिया को इस टाइम में ज़रूरत थी और दिखाने की, उस टाइम में वेल टाइम पर इन्होंने किया है, ज़बरदस्त किया। अरबाब साहब, किस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच हाथ से जा रहे हैं और कब लगा के मैच जीत रहे हैं? अब हम अब्बास जाफरी जब आउट हुआ तब हमें लगा कि हम हार रहे हैं, पर थैंक्स टू जमीर, जमीर ने बहुत अच्छा खेला, सब ने अच्छा खेला, पर अब्बास जाफरी और जमीर ने जबरदस्त हमें मैच आखिरी बॉल करा, और पहली दफ़ा इतना ज़बरदस्त क्लोज टाइम मैच हो गया, और इसके लिए मैं अपने दोनों प्लेयर को क्रेडिट दूंगा, और जमाल भाई जिन्होंने अपने हाथ जोड़वाए, मैंने अपने फाइनल कहाँ होना चाहिए? एक पंजाब जीत गए, एक आप जीत गए, कोई न्यूट्रल वेन्यू बताएं, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, ये है जज्बा। और दूसरी चीज, आज हमारे चेयरमैन का बर्थडे है और ये जो जीत है हमारे चेयरमैन के नाम। बहुत सारी तालियां चेयरमैन साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। अली गिलानी साहब, आप जरा तशरीफ लाइएगा। अली गिलानी साहब, विनिंग ट्रॉफी आपके साथ जाएगी। खूबसूरत बात है कि जब पंजाब की टीम ने मैच जीता था तो अपनी विनिंग ट्रॉफी सिंध पार्लियामेंटेरियंस को दी थी, और आज सिंध पार्लियामेंटेरियंस वो कर्ज वापस कर रहे हैं। ये मोहब्बतें वापस हो रही हैं और मोहब्बतें बढ़ाई जा रही हैं। कठिन दुश्वार सफर में